मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि माँ बनना हर एक औरत का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन गोपी भाभी, जरा सोचिए इस उम्र में। तेवर जी, बच्चा भगवान का दिया हुआ वरदान होता है, इसलिए मुझे लगता है कि परिधि के इस फैसले को हमें स्वीकार करना चाहिए। माँ जी, काकी जी, अगर परिधि अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, अगर उसे अपना बच्चा चाहिए तो उसमें क्या बुरा है? मैं जानती हूँ एक औरत दूसरे के बच्चे को अपना कर माँ तो बन जाती है, पर सच कहूँ तो एक औरत अपने कोख से बच्चा जन्म देती है तभी उसे असली मातृत्व का मतलब समझ में आता है। और क्या पता परिधि धीरे धीरे अपने बच्चे के साथ साथ साशी को भी अपना ले। पापा जी, काका जी, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या परिधि के फैसले से आप दोनों सहमत हैं? मैं परिधि के साथ हूँ। तोलू मोलू, मैं तुम दोनों से पूछना चाहती हूँ, तुम दोनों को क्या तुम्हारे मॉम के फैसले से कोई प्रॉब्लम है? नहीं बड़ी माँ। विघ्नेश भाई, देखिए रूम छोटा होगा तो भी चलेगा, पर इस वक्त हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। क्या कोई रूम खाली नहीं है? चलिए ठीक है, शुक्रिया। आपके 3 बज गए, अभी तक रहने का कोई ठिकाना ही नहीं हुआ और एक बारिश है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। धवल जी, हम ये बिना छत के घर में नहीं रह सकते। पीछे हो जाओ। आपको परिधि का फैसला मंजूर है ना? माँ जी क्या सोच रही हैं? प्लीज हाँ कह दीजिए ना। मोटा भाभी, अब देखिए ना, मैंने यही तय किया था कि अब हम दोनों अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो गई हैं। लेकिन नहीं, परिधि तुम तो यही चाहती हो कि तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की सेवा हम दोनों करें। अब जब हमारी बहू की यही इच्छा है तो हम दोनों को कोई आपत्ति नहीं है। गोपी बहन, आप सच में मेरे इस फैसले को स्वीकार कर रही हैं ना? या अब मुझे यह रोकने के लिए तो ये सब नहीं। परिधि, मैं सच्चे मन से तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। मैं जानती हूँ हर एक औरत का सपना होता है माँ बनना, और मुझे खुशी है कि तुम्हारा ये सपना पूरा होते ही इस घर में एक और बच्चा आ जाएगा जो मुझे बड़ी माँ कह के पुकारेगा। थैंक यू सो मच गोपी। हमारे पास एक ही रास्ता है, यही डाइनिंग टेबल का एक एरिया है जहां पर पानी नहीं है, तो कम से कम आज रात हम सबको यहीं बिताना पड़ेगा। बेटा पप्पू, आज तुम्हें और मुझे कुर्सी पे ही सोना पड़ेगा। ओके पापा,
नहीं बाबा, मैं नीचे नहीं सोऊंगी। बारिश के मौसम में न जाने कौन कौन से कीड़े आते हैं। तो सुई पड़ गई। छोड़िए ना, आप किंजल से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। पप्पू जाके एक और गद्दा ले आ जाओ। बारिश तो जान लेकर ही रहेगी। माँ जी? हाँ? क्या हुआ माँ जी, कहाँ खोई हुई हैं आप? कुछ नहीं माँ जी, मीरा विद्या कहाँ है? विद्या रसोड़े में काम कर रही है और मीरा अभी तक जागी नहीं है। क्या 9 बज गए और मीरा अभी तक उठी नहीं है? मैं अभी जाकर उसे उठाती हूँ। माँ जी बताइए ना, किस सोच में डूबी हुई हैं आप? नहीं, कहीं परिधि के बाद से आप अभी भी उससे नाराज तो नहीं हैं? नहीं गोपी, वो ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी, कल जब हम सब यहाँ बातें कर रहे थे, आप दरवाजे के पास गई थी। कौन था दरवाजे पे? नहीं, वो बिल्ली थी, मैंने भगा दी। कुछ तो है जो माजी मुझसे छुपा रही है। मीठी मासी, मीठी मासी। क्या हो मीरा, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? डैड, इट्स 9 AM, मुझे भूख लग रही है। मीठी मासी, जल्दी से ब्रेकफास्ट लेके आइए। मीरा, पहले जाकर नहा धोकर तैयार हो जाओ। और अब तुम्हें याद है ना, आज तुम्हें ही सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। What? Are you serious? आप लोगों को अभी भी लगता है कि मैं सारे घर के काम करने वाली? मीरा, तुम कहना क्या चाहती हो? What, Dad? In fact, मैंने तो आपकी प्यारी गोपी बहू की जान बचाई है, वो भी अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के। मुझे तो लगता है अब सब लोगों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और दादी, आपको नहीं लगता थैंक यू के साथ साथ आपको मुझे सॉरी भी बोलना चाहिए? मीरा, मीरा, आज तक मैंने जो भी फैसले लिए हमेशा सही लिए हैं। सच्चाई जाने बगैर मैंने आज तक किसी को भी गुनहगार नहीं कहा है, तो आज भी एक सच्चाई अवश्य कहूंगी। तुम्हारे मामले में बिना सच को जाने मैंने तुम्हें गुनहगार ठहराया। तुम्हारे दिल में शुरू से ही मेरी गोपियों के प्रति जो नफरत थी, उसने मेरी सोचने और समझने की शक्ति को क्षीण कर दिया। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी हर बार तुम्हें दोषी करार दिया। मीरा, मैं स्वीकार करती हूं, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की है। तो आज आप रॉन्ग हो
और मैं राइट। मिसेस कोकिला मोदी कभी गलत नहीं हो सकती। ये मिसकंसेप्शन दूर होने के बाद आपको कैसा लग रहा है दादी? दुख लग रहा है मुझे। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने अपनी पोती मीरा का दिल दुखाया। और इसीलिए आज मैं कोकिला मोदी नतमस्तक हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगती। नहीं माँ जी, आप क्या कर रही हैं? वही जो मुझे करना चाहिए गोपी वो। उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों डैड, आप क्यों दादी को रोक रहे हैं? जब पास में मैंने गलतियां की तो आप सब एक्सपेक्ट करते थे ना कि मैं माफी मांगू। तो आज दादी ने गलती की है तो उन्हें माफी मांगने दीजिए। मैंने आपको बार बार समझाने की कोशिश की और आपने बार बार मेरी इंसल्ट की। ना ही मेरी कोई बात सुनी और ना ही मेरी कोई बात समझी। आपने तो मुझे जेल तक भेजने का सोच लिया था दादी। बस मीरा शांत हो जाओ। आप तो इस मैटर में बोले ही मत और मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। मैंने गलती की है और इसीलिए मैं अपनी पोती मीरा अहम मोदी से कान पकड़कर क्षमा मांगती हूं। ओमा पैसा मत करिए प्लीज। जो सही है वो ही मैं करती आई हूं और आज भी वो ही करूंगी। दिल मुझे क्षमा कर। आपको ऐसे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी माफ कर दिया है। मैंने आपको माफ तो कर दिया है पर मेरी कुछ शर्तें हैं। बिल्कुल, बताओ क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी? मेरी पहली शर्त, आज से बल्कि अभी से मैं कोई काम नहीं करूंगी। मेरा जब मन चाहेगा तब मैं बाहर जाऊंगी और कोई मुझे ना ही रोकेगा और ना ही कोई मुझसे सवाल करेगा। घर की सारी जिम्मेदारियां मीरा उठाएगी। आज से मैं बस अपना ख्याल रखूंगी। फैमिली के दूसरे मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। राशि का टिफिन तैयार करना, उसे नाश्ता देना, घर से झाड़ू पोछा, डस्टिंग, एवरीथिंग, मैं कुछ काम नहीं करूंगी। आज से मैं आपके घर में एक फ्री बर्ड की तरह रहूंगी। Enough, मीरा। मीरा बिल्कुल सही कह रही है। जब मीरा गलत नहीं थी तब भी मीरा ने मेरी सारी बातें सुनी। तो जब आज मैं गलत हूं तो मुझे अपनी पोती मीरा की सारी बातें सुननी ही होगी। मीरा ने मेरी गोपी बहू की जान बचाई है, उसके लिए मीरा मैं तुम्हारी आजीवन ऋणी रहूंगी। मीरा तुम अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। मैं कोकिला मोदी ना तुम्हें रोकूंगी और ना ही तुम्हें टोकूंगी। वादा है मेरा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।